सी यू नेक्स्ट टाइम। हाँ जी हाँ जी, ये दोनों डिज़ाइन थे भाई, बता देना। ऐसे फिलिंग पूरी भर रखी है भाई, खतरनाक तरह से। ट्राई करके देखते हैं। घंटे की आवाज़ आती भी, बहुत ही प्यारा माहौल हो रखा है भाई। By the way, अभी हम जा रहे हैं अपने गांव इन द सेंस, हाँ हमारे बगीचे हैं, आम और लीची के बगीचे, तो वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है रामनगर से। आम के लीची का मैं बताता हूँ कौन सा होता है। अच्छा, पतले पतले होते हैं। अच्छा, लीची के पत्ते पतले होते हैं। लीची आने भी लग गई, देखो छोटी छोटी लीची आने भी लग गई हैं, और अपने इस वाले में आम आने भी लग गए भाई। ये देखो, ये पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक अपना बगीचा, पूरा घना बगीचा। हमारे जो दादा थे वो सबसे बड़े भाई थे, तो पूरी की पूरी लैंड उनकी थी। फिर उनके बाद बंटवारा हुआ, तो पांच भाई थे वो लोग, तो पांचों में बटी। तो अभी जो पक्का पक्का वो है, वो ये वाला पोर्शन है, ये 10 बीघा जो चाचा और अपना है। बाकी ये था पूरा का पूरा जो 3 भाइयों का है, तो उन्होंने यहाँ के सारे पेड़ कटवा दिए हैं। फाइनली निकल चुके हैं रामनगर से 2 बजे, अब सीधा जाएंगे कुंदन्स पे। ये आ गए अपन लोग कुंदन्स, हीरू मदारा में। ये रहा अपना मेन हाईवे, और ये रहा पीछे अपना कुंदन्स, मतलब एकदम सड़क से दिख जाता है बढ़िया। तो भाई देख लो, अंदर भी है सिटिंग एरिया और बाहर भी है, ये भी है भाई सिटिंग एरिया, बढ़िया। इसमें हम चाट के सेक्शन ट्राई करेंगे, क्योंकि मेन उसकी वजह से फेमस है। अदरवाइज में पिज्ज़ा पास्ता वगैरह भी है, जो मतलब बाद में ऐड ऑन हो जाता है। दो प्रोडक्ट्स जो मेरे पास आ रखे हैं, उनमें से एक है ये हनी मलाई फेस वॉश, और एक हनी मलाई फेस मॉइस्चराइजर। तो यूज़ करके देखते हैं भाई कैसा है कैसा नहीं। मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि कितना लेना चाहिए, मुझे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, बट लेट्स सी। आई थिंक परसेप्शन होना चाहिए। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इनके इस फेस वॉश में हनी मलाई कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई है। हनी जैसा कि हमें पता ही है कि एंटी ऑक्सीडेंट है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं जो मलाई है वो हमारी स्किन को डीपली नरिश करती है, उसे मॉइस्चराइज करती है और एक ग्लो देती है। और ऐसे मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश भाई ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अडल्ट क्लिंग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मामा अर्थ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल में। वहीं बेबी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे मामा अर्थ, अमेजॉन एंड फर्स्ट क्राई पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जो अभी करंटली यूज करता हूँ ना फेस वॉश, नाम नहीं लूंगा मैं, उससे मेरी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, बट इससे भाई ड्राइनेस नहीं आ रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब भाई इनका दूसरा प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं, हनी मलाई मॉइस्चराइजर। इस मॉइस्चराइजर में हनी मलाई, एलोवेरा और ग्लिसरीन, और ये बात तो खैर हर किसी को पता होगी कि ये चारों ही प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए कितने ज़्यादा अच्छे हैं। एक और अच्छी चीज़ ये है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। अब यार जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता है, वो एक्चुअली हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है अंदर ही। और इनके इस प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट है हनी, जो हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है, साथ ही साथ ड्राइनेस और इचीनेस को भी वो सूद करता है। देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो इस मॉइस्चराइजर की एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये भाई नॉन ग्रीसी है। मतलब वो होता है ना मॉइस्चराइजर, आप लगाओ तो एकदम चिकनी सी स्किन हो जाती है और चिपचिपी सी हो जाती है थोड़ी बहुत, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ स्किन हो रही है मेरी। इसके अलावा भाई सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक तो इंडियन ब्रांड है, दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि मामा अर्थ पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये लोग आपके बिहाफ में एक ट्री भी प्लान करेंगे, जिसकी लोकेशन, पीसी और उसकी पिक्चर्स आपको सेंड कर दी जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके कुछ भी चीज खरीदते हो और मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा। तो इस इंडियन ब्रांड के भाई प्रोडक्ट्स जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छे लगे मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स। चार्ट वगैरह के प्राइस वगैरह आप देख लो, पॉज करके देखना होगा किसी को तो देख लेना भाई, बहुत ज्यादा फेमस है रामनगर में। मतलब अपनी चाट राज कचौड़ी भाई, शक्ल देख लो जरा इनकी। तो यार ये भल्ला पापड़ी चाट ट्राई करते हैं। हमने हीरा स्वीट्स में खाया था। ये देख लो भाई, अंदर से फिलिंग पूरी भर रखी है भाई, खतरनाक तरह से। ट्राई करके देखते हैं। दही और चटनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने बना रखा है ना, बढ़िया, तो बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है। अंदर इसमें स्प्राउट्स भरे पड़े हैं,
और एक आइटम और आ गया, ये तंदूरी मोमोज है। ओ टिक्की भी मंगाई थी उसके आइटम का। यह है आलू टिक्की चाट, ये वाला तो मैं ट्राई करके आपको बता ही चुका हूँ। ये आए हैं अपने तंदूरी मोमो, वेजिटेबल तंदूरी मोमो है भाई, दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। बहुत बढ़िया है और प्रॉपर रेशियो में पड़ी हुई सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नमक एक जगह पे है ज़्यादा है कि नहीं है। बहुत बढ़िया टिक्की ना, जो क्रिस्पी हो रही है ना है, परफेक्ट। उसकी चटनी में भी कुछ बात है यार, मैं बोलता रहा हूँ कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने बना रखा बहुत तगड़ा, मतलब भयंकर, बहुत भयंकर हो रहा है। ये टिक्की चाट ट्राई करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। ये शायद 80 का है, ये 100 का है, ये भी 100 का है, और ये पता नहीं कितने का था। ये आ गया अपना भाई फ्रेश लाइम सोडा, चटनी ले ले। बूम, इसकी शक्ल देखो जरा क्या बेहतरीन लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। ऑनेस्टली इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट अच्छा है, मतलब बुरा नहीं बोल सकते, बुरा ही नहीं कर सकते, बट ऐसा भी नहीं कि मज़ा ही आ गया जैसे बाकी के आइटम्स में मज़ा ही आ गया। टिक्की चाट में तो अलग ही मज़ा आ गया। जैसे तूने मोमो मंगा लिए, उसकी जगह हम मंगा सकते थे काठी कबाब विद रुमाली, क्योंकि लिखा है आर सिग्नेचर डिश, मस्ट ट्राई, मतलब बाकी किसी में ऐसा नहीं लिखा, मस्ट ट्राई में तंदूरी तंदूरी सिंपल तंदूरी मोमो था भाई, लेकिन वो मोमो मुँह में डालते ही मुझे, मतलब मैं उस स्वाद को। एनीवे भाई हमने ये दोबारा से मंगा लिया है, वो स्वाद दो प्लेट लिए और एक उनका सिग्नेचर जो है वो मंगाया है, मस्ट ट्राई में था। जो बाकी अभी बात हो रही है भानु भाई की शादी की, कि भानु भाई की शादी में हमने कलेजी पनीर खाया था, तो कल वाले से कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर इन द सेंस याद आ गई उसकी, और मोमो भी थे भानु भाई की शादी में, गजब हो रहा था। मोमो बढ़िया, काठी काठी कबाब विद रुमाली रोटी, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। लो भाई देख लो, ट्राई करके देखते हैं इसे, बढ़िया अच्छा है, हो सकता है पेट भर चुका है, दबाव नहीं लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। राज कचौड़ी लगाओ अगर 100 की है तो इस हिसाब से 140 का ये बहुत बढ़िया है। ओ भाई साहब पेट भर चुका है भाई, बहुत तगड़ा। टाइम हो चुका है 3:15 से ऊपर हो चुका है, मिलते हैं शाम को भाई दरवाजे पे। तुलाराम को आज हम बाईपास करने वाले हैं, बाय बाय तुलाराम, तुम्हारे गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। गोलगप्पे नहीं यार, अरे यार तुम्हारे रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, बट आज नहीं हो सकता है। तुलाराम के गोलगप्पे और पूजा के रसगुल्ले कन्फ्यूजन हो जाता है, बट काफ़ी अच्छा था, लेकिन स्टिल आज भाई पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, जो उनके रुमाली रोटी और एंड में वो जो स्पेशल डिश खाया ना उससे पेट बहुत ज़्यादा भर गया। पूजा चाट भंडार बाबा भानु भैया रोके नहीं थे गाड़ी, पानी पूरी तो खाई सकते हैं यार भाई यार। तो क्या मैं बोलूँ आके ले वापस? हाँ चलो अब, चलो अब क्या खाना है तो खा लो। नहीं, अभी तो आप बोल रहे हो कि खाना था, अगर रुक जाते तो खाई देते। ये कहाँ का नंबर है? मैं रुक जाऊँ। हमने भानु भाई को इतना बोला, ये रुके ही नहीं, मतलब खुद का खाने का मन नहीं है तो मतलब कोई और नहीं खा सकता, उसके पानी से थोड़ा क्या पता पेट हल्का, हाँ डाइजेशन थोड़ा सही हो जाता। लाख बोलने पे इंसान नहीं रुका। अभी कहाँ जाना होगा? लेफ्ट भाई। तो यार वापसी में उसी रूट पर आ चुके हैं जहाँ हिमालयन पर रुके थे, बट इस बारी उससे पहले एक है सैनी ढाबा, बैठे हैं फर्स्ट टाइम और डैडी बता रहे हैं चाय बहुत ही बेहतरीन हो रही है, कोई तोड़ नहीं है इस चाय का, हिमालयन तो बिल्कुल नहीं है। भीड़ भी बहुत थी, अभी अभी लोग गए, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, सबके सब खाना खा रहे हैं, काफ़ी चलता हुआ रेस्टोरेंट है यार, काफ़ी बड़ा है सैनी ढाबा चिड़ियापुर वाले का। तो भाई ये भी ट्राई करना, हिमालयन करो या ना करो ये तो ट्राई करना भाई डेफिनेटली। भानु भैया का मन कर गया था यहाँ की भाई, दाल तड़का खाने का मन कर गया था इनका। तो भाई ये दाल तड़का मंगा दी है तंदूरी रोटियों के साथ, नहीं नहीं इसी कटोरी में बना दूंगा। कैसा हो रहा है भाई? बेहतरीन गजब भाई, रिकॉर्ड करो, बहुत मस्त हो रहा है, एंगल मैंने इतना बढ़िया लिया, बढ़िया हो रही बेहतरीन, स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। गांव जैसी हो रही है, बढ़िया है यहाँ का सीन। ये भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया।
मतलब आप अगर दिल्ली वाले हाईवे पे जाओगे तो एक तंदूरी रोटी 20 तक की तो मिलेगी इफ नॉट, हाँ 10 रुपए की यार एक तंदूरी रोटी 10 रुपए की हमने, लेकिन मतलब ज्यादा तो नहीं खाया बट 3 तंदूरी रोटी खाई, एक दाल तड़का ली और 120 रुपए भी लगा। चाय भी बेहतरीन है भाई वो। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस की बात ना भी करें, टेस्ट भाई बहुत बढ़िया है। एक बंदा बीच में एकदम ताजी ताजी तंदूरी रोटियां सब टेबल पे ले जा रहा था, पूछ रहा था भैया रोटी भैया रोटी भैया रोटी, और एकदम गर्मा गर्म तंदूरी रोटी मिल रही थी यार, मजा आ गया खा के। और अगर प्राइस के हिसाब से जाओ तो भाई बिल्कुल ही ट्राई करना बनता है, आप भी कहोगे कि इतने सस्ते में इतना बेहतरीन खाना मिल गया, मजा आ गया। और फ्रेश ये रनिंग है ना, बहुत रनिंग है इसलिए बासी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पक्का फॉर श्योर, अब सीधा देहरादून की गाड़ी। जय माँ चंडी देवी माता जी की जय हो। अच्छा यहाँ से आती है देखो ट्रॉलीज, देख लो ऊपर मंदिर क्या बोलते हैं, केबल कार से ना, केबल कार उड़न खटोला। तो भाई लोग आज है अक्षय तृतीय और आरती चल रही है गंगा किनारे, शिव जी के सामने भी अभी आरती पढ़ रहे हैं लोग, घंटे की आवाज़ आती भी, बहुत ही प्यारा माहौल हो रखा है अभी भाई, मज़ेदार। और ये देखो क्या सही सीन है भाई, शिव जी के ऊपर उस साइड से एकदम जस्ट ऊपर चांद दिख रहा था, वेरी नाइस। हल्की पैड़ी देखो क्या प्यारी लग रही है, बेहतरीन मज़ा आता है वैसे हरिद्वार आके। जो भी कहो, तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हम लोग भाई अभी आंटी के यहाँ से मोमो लेके आ गए हैं रास्ते में, क्योंकि डैडी ने वो तंदूरी रोटी और दाल तड़का नहीं खाई थी, इसलिए अभी डैडी को भूख लग रही थी तो डैडी के लिए मोमो ला रखे हैं। आंटी के यहाँ के मोमो जरा ट्राई कर लेते हैं। चटनी तो बेहतरीन होती है। मजा आ गया, बट अभी भी बेहतरीन हो रहा है भाई। देख लो बंगाली मिठाई है यार, बंगाली प्लीज बताना कौन सी मिठाई है। इसका जो ऊपर का ये है ना, ये पता नहीं क्या है, ये एग्जैक्ट संदेश जैसा है, संदेश जैसा टेस्ट है इसका, बट इसके नीचे छेने का वो है, मतलब ऐसा समझ लो रसगुल्ला और संदेश मिक्स करके बड़ा मस्त टेस्ट आ रहा है। हाँ हाँ ये देखो दो लेयर दिख रही है अलग अलग। हाँ लगेज टैग वाला पार्सल आ चुका है फ्रॉम सुवेग भाई, या थैंक यू सो मच सुवेग भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए थे कि भाई ढूंढ भाई ढूंढ भाई ढूंढ। तो बैक स्टोरी मैं आपको बताया था, जब मैं हांगकांग से आया था तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था, और भानुभाई के लिए मैं लाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का लगेज टैग, और खाली वही एक लौता आइटम था जो खोया मेरे सारे आइटम्स में से। तो इनको मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत पसंद है, इनको मैंने पिक दिखाई, इन्होंने वीडियो में देखा तो इनको भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो हमारे आने के दो दिन बाद हांगकांग से वापसी आ रहे थे सुवेग भाई, तो मैंने सुवेग भाई को बोल दिया था कि यार प्लीज़ मार्केट जाके वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लगेज टैग और कुछ एक आधा लगेज टैग और ले आना भाई। ये है इनका, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली वहाँ से मंगाया, इसलिए क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन चेक करा है 4,500 या 5,500 का बिक रहा है, वो भी यूबाई वगैरह से मिल रहा है 5,500 का, और वहाँ था ये 200 रुपये के तीन, इंडियन 200 रुपये के तीन। तो मैंने बोला यार 6 ले आना। ये लग चुका है भाई इनका यूनाइटेड का लगेज टैग इनकी ट्रॉली में, क्योंकि तो बढ़िया लग रहा है, ऐसे ले जाएंगे कहीं तो दूर से नज़र पड़ेगी, देखो अगर दूर जाते हुए भी दिख रही है दूर से ही नज़र पड़ेगी, तो बढ़िया। गुड नाइट। चलो यार आज का दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल से। गुड नाइट।